खेल शुरू होता हुआ इसके साथ ही झुंझुनू 17 वर्षीय बालिका वर्ग में अनूपगढ़ से मैं गजानन पुनः एक बार फिर से कवरेज के साथ है। झुंझुनू बनाम फलोदी, देखते हैं आखिर झुंझुनू यहां जीत दर्ज कर पाता कि नहीं। अंडर 19 में दो मैच से दोनों हार झेलनी पड़ी हैं। बोनस से शुरुआत की है फलोदी ने, अच्छी शुरुआत फलोदी की, और यहां एक नंबर में इस समय झुंझुनू रेड पे होनहार बालिका। बोनस की कोशिश होगी, आसानी से पहुंचा बोनस तक, ये ताकत नजर आ सकती है झुंझुनू के आगे के खेल में। तो बोनस से ही दोनों साइड से शुरुआत होगी शायद। जी हाँ, बोनस से खाता खोलने में कामयाब झुंझुनू भी। एक एक स्कोर, टॉस झुंझुनू ने जीता और रेड के लिए बाल फलोदी को न्योता दिया। सदीवी शुरुआत और यहाँ अच्छा मौका फॉलो करने का, लक्ष्य तक पहुंच गई बड़ी रेड। यहाँ दो पॉइंट की हो सकती शायद। जी हाँ, दो पॉइंट से फलोदी तीन पे। लीजिए कंचन, कंचन रेड पे है, आक्रामक रेडर प्रतिभावान बेटी समय झुंझुनू के, और यहाँ एंगल होल्ड का शिकार झुंझुनू। चौथा पॉइंट इस समय फलोदी के फितरत में, तो फलोदी कहीं ना कहीं झुंझुनू पे भारी शुरुआती समय में। क्या अंडर 19 के बाद 17 में भी हार का मुंह देखना पड़ेगा झुंझुनू को, ये बड़ा सवाल इस समय। झुंझुनू झुकता नहीं है, लेकिन बालिका वर्ग में यहाँ खराब प्रदर्शन, और यहाँ धक्का देकर बाहर भेजा, लक्ष्य से पीछे हैं। बेहतरीन नियंत्रण, लक्ष्य रेखा के बेहद नजदीक थी, और यहाँ डिफेंस से एक और पॉइंट अर्जित करता झुंझुनू। दूसरा अंक झुंझुनू की झोली में, रेडर लक्ष्य तक पहुंचते हुए दो पॉइंट का इशारा आता हुआ इसी बीच, तो चार पे पहुंचा है झुंझुनू अब वापस मैच में। फलोदी बनाम झुंझुनू, रोमांचक क्षण खेल के, पलड़ा लगभग बराबर दोनों का, और यहाँ गंवाया हाँ झुंझुनू ने शायद। कंचन फिर से आगे आ रही है, कंचन भी आक्रामक रेडर हैं और उनसे काफी अपेक्षाएं झुंझुनू को। यदि 17 वर्षीय में झुंझुनू जीतता तो भी अच्छा ही माना जाएगा। एक अंक फिर से लीजिए सरदार जी, असरदार भी हैं और मैच के मुख्य अंपायर के रूप में दबाव बनाने की कोशिश झुंझुनू की। लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, सर आपको मैं पहले बोनस लेकर फिर से स्कोर में इजाफा। अब चार के डिफेंस में फलोदी, कंचन रेड के ऊपर, और यहां ब्लॉक हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंची, ब्लॉक को तोड़ते हुए कंचन का कमाल। फलोदी बेहाल, सुपर टेकल में दिखाई देगा अगर यहां से पॉइंट अर्जित नहीं किया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 10 नंबर में इस समय टच पॉइंट की मांग की जा रही है। फिर से रेड के ऊपर गुमराह करना चाह रहे थे शायद, बोनस की कोशिश यहाँ, देखते हैं कितनी सफल रहती है। बोनस अर्जित करने में कामयाब, सुपर टेकल, ये संकट की घड़ी इस समय फलोदी के लिए। 6 नंबर में इस समय देखते हैं कहीं सुपर टेकल का शिकार ना हो, कोशिश यहाँ टच पॉइंट की होगी, चैन में फंसा लिया है। अब सुपर टेकल में फंसता झुंझुनू, फलोदी के जाल में फंस गया है। सुपर टेकल से दो पॉइंट झुंझुनू को, नौ पे पहुंचता हुआ फलोदी, जबकि 6 झुंझुनू। झुंझुनू थोड़ा सा बैकफुट पे, 3 अंक पीछे है, और सुपर टेकल से जो दो पॉइंट गंवाई वहाँ बढ़त थोड़ी सी मजबूत फलोदी की। क्या यहाँ का गवाया? जी हाँ, फलोदी गोज टू इन डबल फिगर, 10 पे पहुंचता हुआ, और यहाँ कंचन देखिए, ये सबसे प्रभावशाली रेडर झुंझुनू की ओर से। 7 पे पहुंचता झुंझुनू, 7-10 का स्कोर, 3 अंक की बढ़त है फलोदी के पास। फलोदी की जितनी तारीफ रही उतनी कम है, हालांकि झुंझुनू की बेटियां भी अच्छा खेल दिखा रही हैं इस वक्त। 6 का अच्छा डिफेंस इस समय, और था आई होल्ड, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गई
एक पॉइंट बोनस के साथ, यानी 12 पे अब झुंझुनू खुशी रेड पे चली है। और यहाँ पे एक शिकार हो गई एंगल होल्ड का खुशी, एंड हैप्पी पॉइंट गंवाने के साथ 13 पे फलोदी। निश्चित रूप से फलोदी झुंझुनू के ऊपर भारी। अनीता है टीम की प्रभारी, जो चिंतित हैं इस समय। अनीता जी जो कि फिजिकल एजुकेशन टीचर, और उनके साथ बीरमा जी भी। कंचन, कंचन से काफ़ी अपेक्षाएं, बैक किक की कोशिश से, लेकिन आसान नहीं फलोदी की फुल्लू से पॉइंट अर्जित करना। बोनस की कोशिश की गई, क्या क्लियर है कि नहीं, नहीं लाइन के इर्द गिर्द। सेफी वापस लौटी, और यहाँ टच पॉइंट की मांग। जी हाँ, मिल गया है पॉइंट। स्कोर है इस समय 14-7 झुंझुनू 7, जबकि फलोदी 14-7 अंक की बढ़त। और ये तमाम ऑफिशियल्स लगातार गणना करते हुए, और बीरमा जी भी यहाँ चिंतित दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। 72 को अंदर लेना चाहती है। लीजिए 7 अंक की बढ़त के साथ अच्छे डिफेंस में नजर आता हुआ फलोदी। वहीं कंचन रेड पे बोनस की कोशिश, एक बार नहीं दो बार, फिर भी शायद क्लियर नहीं। और दबाव में कंचन दिखाई देती भी, बगैर किसी हलचल के सेफ वापस। 10 नंबर जर्सी में इस बालिका की दाद देनी होगी। अच्छा प्रभावित किया अपने खेल से। सुपर टेकल में अब झुंझुनू, यहाँ से अंक गंवाया तो ऑल आउट के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए ज़रा संभल के डिफेंस की आवश्यकता। और यहाँ गंवा दिया अंक, बीरमा जी भी यहाँ नपी दिखाई देती भी। 15-7 8 अंक की लीड, जितनी बढ़त है उतना स्कोर भी नहीं है झुंझुनू का। कंचन संघर्ष करते हुए इसमें आगे जाना ही होगा, और कोई चारा नहीं। बोनस के लिए भी प्रयासरत है, एंगल होल्ड से बचना चाहेंगे। और यहाँ टच पॉइंट मिलेगा, जी हाँ, अच्छा इसके लिए। यहाँ हवा में गोता लगाते हुए टच करने के बाद लक्ष्य की तरफ बढ़ी। 8वां अंक, 8-15 7 अंक अभी भी पीछे झुंझुनू। फर्स्ट हाफ का खेल, ये टच पॉइंट की कोशिश में 3 का डिफेंस यानी सुपर टेकल, पकड़ कमज़ोर। ये देखिए लगातार गलतियाँ, ऐसी गलतियों से सबक नहीं लिया, देखिए आत्मविश्वास की कमी। और इस बालिका को देखिए, 7 में जगह देना थोड़ा सा समझ से परे है, क्योंकि जिला स्तर पे काफ़ी टीमें पहुंची थी, तो एक अच्छी टीम उतार सकता था झुंझुनू, लेकिन एक दो खिलाड़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ कंचन टच पॉइंट की मांग कर रही, जी हाँ, एक और भूमूल्य अंक, 9 पे पहुँचता झुंझुनू। 9-16 का स्कोर, 7 अंक का गैप बड़ी देर से बना हुआ। और यहाँ चिंतित बीरमा जी, और यहाँ टेकल हो सकता है, पहली बार सुपर टेकल झुंझुनू का। सुपर टेकल से 2 पॉइंट, अब की बात थोड़ी परेशान दिखाई दी बीरमा जी। कंचन आगे बढ़ती भी, 5 का डिफेंस बोनस ऑफ, यहाँ मुश्किल हो सकती है ज़्यादा आगे जाना। और टच पॉइंट की कोशिश मिलेगा, आत्मविश्वास, जी हाँ। बारह पे पूछता झुंझुनू, जबकि 16 है फलोदी। अब 4 अंक पीछे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, झुंझुनू सींचे 100 गड़ा, समय वापसी होए, देखते हैं क्या वापसी कर पाएगा यहाँ। और फिर से बेहतरीन टेकल, वाह, इस टेकल से मजबूत हो सकता है झुंझुनू। 13-16 का स्कोर, खुशी अच्छा कार्य किया सहेलियों के साथ मिलकर। और अब कंचन रेड पे चली है सुपर टेकल में, देखिए कुछ देर पहले झुंझुनू सुपर टेकल में था, लेकिन यहाँ अब फलोदी सुपर टेकल से अंक गंवाता हुआ। टच पॉइंट से अब वापस मजबूत स्थिति में झुंझुनू, लगभग बराबरी पे लौटता हुआ, 1-2 पॉइंट पीछे है, और ऑल आउट के साथ बढ़त हो सकती है झुंझुनू की। देखते हैं, यहाँ गलतियों से बचना होगा कम से कम, कम से कम पॉइंट ना दे, बोनस भले ही खुला रखें, क्योंकि पीछे खिलाड़ी की संख्या ज़्यादा नहीं है, 2 ही खिलाड़ी इस समय फलोदी के पास। इतना आगे जाना थोड़ा सा चिंतित, सेफ ही वापस जाएंगी तो मुश्किलें बढ़ेंगी फलोदी की।
सेफ कम बैक। कंचन चले ही समय, यहाँ ऑल आउट का खतरा, देखते हैं क्या यहाँ ऑल आउट है। लीजिए एक तीर से दो शिकार, ऑल आउट के साथ ही चार पॉइंट मिले हैं कुल झुंझुनू को। स्कोर है इस समय 18 झुंझुनू जबकि 16 है फलोदी। और यहाँ फिर से बेहतरीन टैकल, 19 पे पहुंचता बाद झुंझुनू। तीन अंक की डट बनाई है, क्या बाजी पलटी है, देखिए ऑल आउट करते हुए ग्रेट कमबैक झुंझुनू। खुशी इस समय बोनस की कोशिश में और यहाँ टच पॉइंट मिल जाएगा आसानी से। बोनस के साथ टच पॉइंट यानी 21 पे पहुंचता बाद झुंझुनू। 16-21 पांच अंक की बढ़त पे झुंझुनू। झुंझुनू का बेहतर होता खेल फर्स्ट हाफ के। हेलो, और यहां गजब का टेकल इस समय, एंगल होल्ड और फलोदी के खाते में ये 17वां पॉइंट। फलोदी सेफ ही वापस, खुशी आगे बढ़ रही है इस वक्त। और यहां खुशी लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, पहुंच गई है। जी हां, एक से दो पॉइंट, जी हां दो पॉइंट से झुंझुनू एक बार फिर से मजबूत। 17-23 छह की बढ़त पे झुंझुनू, लेकिन यहां खुशी देखते हैं अंक गंवाया है। ईमानदारी का परिचय दिया खुशी ने। कंचन चली है तो कंचन ही है जो वापसी कराई है टीम की। 18-23 का स्कोर और यहां पहुंच जाएंगे। जी हां, दो पॉइंट लेकर फिर से खुशी, कंचन यहां वापस लौटी है। फलोदी जबरदस्त बेहतरीन लाइन मैच में झुंझुनू फलोदी के सामने। पहले फलोदी हावी था लेकिन यहाँ पॉइंट फलोदी के खाते में जाता हुआ। कंचन चले हैं, सुपर टेकल है, देखते हैं कंचन यहाँ एक बार फिर से सुपर टेकल से पॉइंटर जीत कर पाते हैं कि नहीं। इससे पहले ऑल आउट कर किया था सुपर टेकल से, लेकिन यहाँ लॉबी में है, पीछे रह गई सुपर टेकल का शिकार। और दो पॉइंट यहाँ फलोदी को जाते हुए, धीरे धीरे वापसी की कोशिश में इस समय फलोदी। 21-26 के साथ पांच अंक की बढ़त अभी भी झुंझुनू के पास। और यहाँ अंक गंवाया है शायद, 22 पे पहुंचता हुआ फलोदी सिर्फ चार अंक के पीछे अब झुंझुनू से। खुशी आगे बढ़ी है, क्या समय बिताएंगे या फिर पॉइंट लेकर आएंगे, देखते हैं। पांच के डिफेंस में इस वक्त है। और यहाँ फंस गई है, ज़्यादा आगे चली गई और दीवार को तोड़ नहीं पाई। 23 पे पहुँचता 22वां फलोदी, तीन अंक पीछे है सिर्फ। सुपर टेकल ऑन, तीन का डिफेंस, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कमज़ोर हो सकता है यहाँ झुंझुनू, क्योंकि बड़ा डिफेंस इस समय नहीं, कमज़ोर बालिकाएँ जो 5 नंबर 10 नंबर और एक कॉर्नर पे सामने 9 नंबर में, 9 नंबर में तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ देखते हैं अब टेकल कर पाता कि नहीं। सेफ ही वापस। इसके साथ ही हाफ टाइम 23-26 कोर्ट तक। हाफ टाइम के समय स्कोर झुंझुनू 26 जबकि फलोदी 23, तीन की बढ़त। और तमाम संख्या में देखिए इस समय खिलाड़ी और स्थानीय क्षेत्र से दर्शक इस आनंद उठाते हुए समाज का। सेकेंड हाफ इसके साथ ही 26-23 तीन पॉइंट की बढ़त के साथ अब झुंझुनू रेड पे चला, देखते हैं इस बढ़त का फायदा उठा पाता है कि नहीं। यहाँ टच पॉइंट लीजिए, सेकेंड हाफ से भी अच्छी शुरुआत है, झुंझुनू झुकता नहीं है, 27 के ऊपर पहुँचा फलोदी के सामने, जबकि फलोदी अब 9 नंबर में आगे बढ़ता हुआ। चार का डिफेंस है, सुपर टेकल से बाहर निकला टच पॉइंट के साथ ही। बोनस ऑफ इसलिए आसान नहीं टच पॉइंट यहाँ अर्जित करना, ज़्यादा आगे जाना खतरा भी हो सकता है फलोदी के लिए। 9 नंबर पहचान संख्या में इस समय, लेकिन सामने से कवर करना आवश्यक, मगर यहाँ सेफ ही कमबैक झुंझुनू बनाम फलोदी। फर्स्ट हाफ झुंझुनू के नाम रहा 3 पॉइंट की बढ़त से, जबकि यहाँ इस समय स्कोर है 27-23 पाँच नंबर में इस समय। पाँच का डिफेंस इसलिए बोनस ऑफ, सेफ कमबैक, खिले हुई धूप
और बेहतरीन तरीके से खेल आगे चलते हुए। कुल 8 कोर्ट बनाए गए हैं अनूपगढ़ इस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। 4 का डिफेंस कंटिन्यू, यहां पकड़ गए, बैक होल्ड कमजोर और लक्ष्य तक पहुंची। 2 पॉइंट यहां गंवाता झुंझुनू। 25 पे पहुंचता हुआ फलोदी जबकि 27 है झुंझुनू, अब सिर्फ 2 अंक पीछे। खेल बदल सकता है कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों टीमें बेहद मजबूत है। बराबर का मुकाबला और यहां टच पॉइंट से स्कोर में वृद्धि करता झुंझुनू। 28 पे पहुंचता हुआ 28-25 कंचन कमबैक मध्यांतर में, और कंचन अगली रेड से देखते हैं पॉइंट दिला पाते हैं कि नहीं। 5 का डिफेंस, माफ कीजिए, सुपर टेकल में है झुंझुनू जबकि 10 नंबर में इसमें फलौती। पीछे पीछे चलता हुआ, ज़्यादा बढ़त भी नहीं कही जा सकती, सिर्फ 3 अंक की लीड है 28-25 के साथ। और यहाँ सेफ ही कमबैक, अब कंचन रेड पे चलेंगे, यहाँ अवसर होगा कंचन के लिए। सुपरस्टार इस समय 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में बेहतरीन बालिका, इस समय बोनस की कोशिश, फिर से ट्राई होगी यहाँ। देखते हैं टच पॉइंट के लिए जाते हैं कि या फिर टच पॉइंट भी हार जीत किया है। जी हाँ, बोनस के साथ 30 पे पहुँचता झुंझुनू, 25 पे फलौदी, 5 अंक की बढ़त है। हाफ टाइम के समय 3 अंक की लीड थी लेकिन यहाँ धक्का दिया है, ये गलती की है, इस समय 2 पॉइंट गंवाए शायद। जी हाँ, 2 पॉइंट से 27 पे फलौदी, कंचन आ गई है पुनः। देखते हैं कंचन का कमाल फलौदी के सामने। 10 पॉइंट की मांग की है यहाँ कॉर्नर पे, कमजोर है बॉडी लैंग्वेज, गंवाए अंक। जी हाँ, 31 बोनस के साथ पॉइंट यानी 2 अंक, 32-27, 5 अंक की बढ़ा है पुनः झुंझुनू के पास। लेकिन सुपर टेकल से कब बाहर निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। झुंझुनू 3 के डिफेंस में खुशी, कंचन और उनकी सहेली, देखते हैं यहाँ सेफ है शायद। 1 अंक का इजाफा यहाँ टच पॉइंट कॉर्नर पे अर्जित किया और कंचन पुनः आ गई है। अब 28-32, 4 अंक का गैप, बोनस तक आसानी से पहुंचे हैं। बड़ी रेड हो सकती है ये, लेकिन अच्छा नियंत्रण किया हाथ को। पॉइंट इधर फलौदी का और बोनस झुंझुनू का। अंतिम खिलाड़ी खुशी, ऑल आउट का आसान अवसर, और यहाँ झुंझुनू ऑल आउट होता हो तो हिसाब चुकता किया फलौदी ने। दोनों टीमें एक दूसरे को एक एक बार ऑल आउट कर चुकी हैं। झुंझुनू 33 जबकि फलौदी 32, बेहद कांटे की टक्कर। कंचन चली है रेड पे, 1 अंक मामूली बढ़त पे है झुंझुनू, लेकिन यहाँ फलौदी हावी हो सकता है। बोनस की कोशिश में आसान नहीं होगा, यहाँ बोनस अर्जित करना और एंगल होल्ड, जबरदस्त कैच यहाँ फलौदी का, कंचन को शिकार किया जो सबसे सफल रेडर थी झुंझुनू की। बोनस तक पहुंचे हालांकि, यानी कि 34-33, एक बार उधर एक बार इधर। अब 10 नंबर की स्टार रेडर देखिए फलौदी की ओर से, कॉर्नर पे खुशी है, बोनस का ट्राई किया है यहाँ, शायद मिल जाएगा बोनस। और जो निशान मिटाने की कोशिश की से स्पष्ट है कि क्लियर है बोनस। खुशी ने वो पदचिन्ह डिलीट करने की कोशिश की लेकिन अंपायर की नज़र से डिलीट नहीं हो सकता, शायद उन्होंने शिफ्ट कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया, शिफ्ट अल्ट का माफ़ कीजिए, इसलिए अंपायर देखने में सफल रहे। और यहाँ खुशी शिकार हो गई हैं, और ये देखिए बोनस ज़रूर अर्जित किया खुशी ने लेकिन पॉइंट इधर। 34 फलौदी और झुंझुनू 35, सिर्फ 1 अंक आगे है शायद। 34-35 का स्कोर देखिए, क्या मुकाबला है, बेहद रोमांचक। और यहां मध्यांतर में कैच, तारीफ करनी होगी इस बालिका की झुंझुनू की, जो कैच इस समय दिखाया है, करतल धवनी से स्वागत किया तमाम दर्शकों ने। 2 अंक की बढ़त पे कंचन आ गई है, कंचन ने जान झोंक दी है इस मुकाबले में। और बोनस के लिए फिर से देखिए, जी हाँ, बोनस से स्कोर में लगातार वृद्धि करता हुआ, अब संभवतः 3 अंक की बढ़त झुंझुनू के पास है। 9 नंबर में फलौदी सामने से कवर नहीं कर पा रहा और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचे बोनस के साथ, यानी 2 पॉइंट इस समय फलौदी के खाते में। कंचन एक बार फिर से, कंचन का तोड़ नहीं तो फिर पिछड़ेगा मैच में फलौदी। और यहाँ कैच करने की कोशिश और पकड़ कितनी बेहतरीन है, देखिए कंचन एक बार फिर से, ढेर मौका मिला था लेकिन विलम्ब से डाई लगाने की कोशिश की और गंवा दिया अंक। अब वापस बराबरी पे मुकाबला देखिए, 38-38,
तराजू की तरह मुकाबला तुल गया है भैया। तराजू बंटवारा कर देती, किले में 1000 ग्राम आधा दवा बंटवारा होता जब 500 ग्राम। बिल्कुल सेम सिचुएशन इस मैच में अब यही है, 38-38 से स्कोर बराबरी का। किस तरह झुकेगा पलटा यहाँ और लक्ष्य तक पहुंच गई। 2 पॉइंट से अब बढ़त पे फलो दी और ये बढ़त है पहली बार बड़े समय के बाद। शुरुआती समय में बढ़त थी या तो फलौदी के पास या फिर अब बढ़त पुनः हासिल की है, तो फलौदी की बालिकाओं की तारीफ करनी होगी झुंझुनू के सामने। और यहाँ बड़ी रेड हो सकती है, पहुँच गई 1 पॉइंट से ही सही स्कोर में वृद्धि करता हुआ मुकाबला बिल्कुल कांटे का। सुपर टेकल में झुंझुनू खुशी और उनके साथ दो जो डिफेंडर हैं, आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा उन दो बालिकाओं में, लेकिन खुशी जरूर भरोसेमंद। यहाँ से अंक गंवाया तो ऑल आउट का खतरा दूसरी बार मंडराएगा झुंझुनू के सर पे। सोच समझ कर डिफेंस आई है यहाँ, लेकिन अब रेडर की जिम्मेदारी खुशी के ऊपर। सहेली को भेजा है 6 नंबर में, टच पॉइंट यहाँ खुशी को, जी हाँ घुटने पे टच किया है और मिल गया टच पॉइंट। 4 का डिफेंस, सुपर टेकल से तो बाहर आ गया है। बिल्कुल पलड़े लगभग बराबर दोनों टीमें के, संभवतः 40-40 स्कोर है। और यहाँ खुशी को टच करने के बाद वापस लौटी, देखिए दूसरे कॉर्नर कितना कमजोर है झुंझुनू का, ये थोड़ा सा शर्मिंदा। टाइम आउट के बाद पुनः खेल शुरू होता, झुंझुनू ने टाइम आउट लिया था। टीम पर भारी अनिता जी ने, जो डिंडारिया से बिलोंग करती हैं, लेकिन यहाँ झुंझुनू 2 अंक पीछे है, 39 झुंझुनू 41 फलौदी, लेकिन यहाँ 40 पे पहुँचता हुआ झुंझुनू बोनस से 40-41। देखिए क्या रोमांच है इस मुकाबले का, बेहतरीन मुकाबला। और यहाँ पकड़ मजबूत है इस समय, सुपर टेकल का शिकार फलौदी सुपर टेकर से पिछड़ता हुआ मैच में 2 पॉइंट के साथ अब 42-41 के साथ झुंझुनू लीड करता हुआ। कंचन वापस रेड पे और यहाँ अब बढ़त, कंचन यदि सफल रही तो स्थिति मजबूत हो सकती है सेकेंड हाफ के अंतिम खेल में। अंतिम समय का खेल ये इस समय, 5 का डिफेंस, 1 अंक की बढ़त बना चुका है झुंझुनू और यहाँ फंस गई है कंचन, ज़्यादा आगे चली गई। बेहतरीन ब्लॉक यहाँ फलौदी का और ढेर हो गई, कंचन अंडर प्रेशर थोड़ी सी। 42-42 स्कोर देखिए, बिल्कुल दोनों पलड़े बराबर झूल रहे हैं। सुपर टेकल और यहाँ डिफेंडर आत्मविश्वास खोते हुए झुंझुनू के, देखिए सामने से कवर करना चाहिए लेकिन इतना पीछे जाना कमजोरी साबित करना है झुंझुनू के लिए। देखिए अब कॉर्नर पे इतना आगे जाकर टच पॉइंट लेंगे तो सामने से कवर करना चाहिए, लेकिन यह अंगुली हिलाने से क्या होगा, विदाउट टच वापस लौटी। दबाव में है झुंझुनू और यहाँ ब्लॉक तोड़ने की कोशिश है और बढ़त पे पुनः फलौदी, अब 43-42 के साथ फलौदी 1 अंक की लीड करता और ऑल आउट का भी खतरा झुंझुनू के ऊपर। इस ऑल आउट के साथ है फलौदी जीत की तरफ बढ़ेगा। 5 मिनट से कम समय, अब 2 का डिफेंस, सुपर टेकल में टेकल कर पाना बेहद कठिन चुनौती समझ झुंझुनू के लिए। और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश लेके देंगे, कितना कमजोर डिफेंस है यहाँ झुंझुनू का इन दो बालिकाओं के द्वारा, खासकर 10 नंबर में जो बालिका थी उसका। ऑल आउट के साथ 7 इन और अब 46-42 4 अंक बढ़त पे फलौदी कंचन रेड पे। कंचन का कमाल यहाँ टच पॉइंट से, अब 43 पे पहुंचा है झुंझुनू, 43-46 3 अंक पीछे अभी भी। क्या शेष समय में वापसी कर पाएगा, अभी भी तकरीबन 4 मिनट का खेल शेष है, लेकिन खुशी के द्वारा देखिए एक बार फिर से यह अंक गंवाया। कंचन की ऊपरी नैया है झुंझुनू की समय, प्रभावशाली खिलाड़ी इस समय। और यहाँ पीछे से चला जा, 2 नंबर लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए ललचाने की कोशिश और यहाँ शिकार हो गए फिर से कंचन, लगातार पॉइंट गंवाती हुई रेडिंग के रूप में। तो यहाँ समलता वाफलो दी अपने आप को, 47-43 4 अंक की बढ़त पे। हाँ जी सर जी, आया 5 मिनट और यहाँ पे शानदार टेकल इस समय झुंझुनू का,
झुंझुनू धीरे धीरे मैच में वापस लौटने की कोशिश में। लेकिन कंचन बाहर है तो रेडर के ऊपर दबाव होगा और यह देखिए कितना बेहतरीन ब्लॉक किया है, चैन सिस्टम में फंसाता फलोदी अर्शतक के बेहद करीब। पांच के डिफेंस में इस वक्त और यहां पकड़ मजबूत है, बैक होल्ड की दाद देनी होगी यहां झुंझुनू की। इस बैक होल्ड से पीछे पीछे चलता हुआ फलोदी के सामने, खुशी रेड के लिए। अंतिम दो मिनट का खेल शेष, मामूली बढ़त पे फलोदी बोनस से स्कोर में वृद्धि और 50 कम जब फलोदी 50 जबकि 46 पे झुंझुनू और यहां अंक फिर से गंवाया है। खुशी देखिए अनहैप्पी होंगे अपने इस डिफेंस से, 51-46 पांच अंक पीछे जबकि तकरीबन 90 सेकंड का खेल शेष, बोनस की कोशिश देखते हैं अब ये पांच अंक की बढ़त काट पाता कि नहीं झुंझुनू। और यहां लक्ष्य तक पहुंच गई है बड़ी रेड बोनस के साथ पॉइंट, यानी दो अंक है 48-51, तीन अंक पीछे है अब सिर्फ झुंझुनू। 10 नंबर जर्सी में स्टार रेडर फलोदी की ओर से, इनकी जितनी तारीफ प्रशंसा करें उतनी कम है, इन्होंने नैया पार लगाई है अब तक के खेल में। जबकि झुंझुनू की ओर से कंचन पकड़ मजबूत है, पीछे रह गए हाथ को नियंत्रित किया और यहां अच्छा शिकार झुंझुनू 49 पे पहुंचता हुआ, लेकिन बोनस से 52 पे है फलोदी। कंचन चली है 49-52, एक मिनट के आसपास खेल शेष और यहां पहुंच गई दो पॉइंट के साथ 51 पे पहुंचता हुआ, 51-52 का स्कोर, सिर्फ एक अंक पीछे झुंझुनू। बिरमा जी यहां देखते हैं कैसे चिंतित दिखाई दे रही, एक अंक पीछे सिर्फ झुंझुनू। फलोदी रेड पे डिफेंस मजबूत चाहिए, अगर यहां पॉइंट गंवाए तो निश्चित रूप से खुशी। देखते हैं यहां क्या पॉइंट गंवाया है झुंझुनू ने, जी हां खुशी को बाहर धक्का दिया टच पॉइंट के साथ। और अब कंचन चली है 51-53 के साथ, दो अंक की बढ़त है, कम से कम एक पॉइंट हर हाल में चाहिए झुंझुनू। देखते हैं वापसी कर पाता कि ज्यादा आगे गई है और टच पॉइंट की कोशिश में, एक पॉइंट से जरूर दो पॉइंट, यहां बराबर स्कोर देखिए 53-53, 53 झुंझुनू और इतना ही स्कोर फलोदी का। अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष और पकड़ मजबूत है बढ़त पे अब झुंझुनू, 54-53 के साथ झुंझुनू बढ़त पे। कंचन रेड पे ऑल आउट का मौका यहां और ऑल आउट के साथ झुंझुनू बढ़त पे भी होगा और जीत के करीब भी होगा अंतिम खिलाड़ी, और यहां ऑल आउट करना चाहेंगे। देखते हैं यह कितना समय गुजारती है इस रेड से, जितना समय गुजारेंगे उतना बेहतर होगा। 52-53 के साथ बढ़त है और यहां लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दीजिए ऑल आउट के साथ तीन पॉइंट और 56-52 चार अंक की बढ़त अब झुंझुनू के पास। झुंझुनू जीत की मंजिल पे इस समय, जीत के बेहद करीब क्योंकि समय बहुत कम है, वह मुश्किल एक से दो रन हो सकते हैं, चार अंक की बढ़त झुंझुनू के पास, इस बढ़त को काटना कतई आसान नहीं होगा। 53-57 स्कोर है इस समय, बताना चाहूंगा चार अंक की बढ़त है। अंतिम समय में क्या बाजी पलटी है झुंझुनू ने, खासकर कंचन की दाद देनी होगी, समय गुजारना हार की निशानी इस समय फलोदी के दृष्टिकोण से। लीजिए समय समाप्त और यह मुकाबला बोनस अर्जित जरूर किया 54-57 तीन पॉइंट के अंतर से झुंझुनू ने फलोदी को मात दी है बेहद रोमांचक मैच में, झुंझुनू की रोमांचक जीत, एक्सीलेंट प्लेड बोथ टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन से झुंझुनू फॉर द नेक्स्ट मैच, खुशी के ये पल। और यहाँ झुंझुनू की पहली जीत संभवतः एक दूसरे के साथ खेल भावना का परिचय। चलिए आपको अब अगले मैच के लिए बाड़मेर की तरफ ले चलते हैं।